आज हम पृथ्वी के ऊपर फैले वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली परत है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर जो है ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर और विषुववृत्त रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र होता है। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बादल, बिजली का गिरना, आकाश का चमकना, ओला, बर्फबारी, सब इसी में होती है, इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर और विषुववृत्त रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर होता है। इसके दूसरी परत है, इसको कहते हैं समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल से, ये 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है और ये पृथ्वी से 32 किलोमीटर ऊपर, 32 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के बीच में होता है समताप मंडल। इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता, इसका इस एरिया में पूरा टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है यहाँ से यहाँ तक का। इसलिए इस क्षेत्र में ही वायुयान उड़ते हैं। तीसरी परत है ओजोन मंडल। ये समताप मंडल से ऊपर 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक, ये 32 से 60 किलोमीटर का क्षेत्र होता है ओजोन मंडल। और इस एरिया में 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन की एक मोटी परत होती है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस से खतरा होता है, जिस वजह से इस ओजोन मंडल में छेद बन जाते हैं और इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि होती है और इस क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी होती है। चौथी परत है आयन मंडल। आयन मंडल ये 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में होता है। ये 60 किलोमीटर पृथ्वी से 60 किलोमीटर ऊपर से ऊपर और 640 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र जो होता है आयन मंडल होता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी इस एरिया से टकरा कर वापस आ जाती है। इसका यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है। पांचवा परत है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। ये 640 किलोमीटर किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र होता है, अंतरिक्ष से सब ऊपर का। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। अब नेक्स्ट क्लास में महाद्वीप पढ़ेंगे।